दोस्तों, अगर आप नए दर्शक हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करें और उसके बगल में बेल आइकन का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करके ऑल पर टिक करें। और ये जो आप लाइक का बटन दिख रहे हैं, इसे दबाकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, ये आप जो मेरे चैनल का नाम देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल पर जाके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पूरे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, जो ये वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल के पूरे वीडियो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट पर मैं काम कर चुका हूं। तो दोस्तों, ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का सुपर 73 बाइसाइकिल है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल मैंने बनाया येलो कलर का, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैंने रॉयल इनफील्ड टाइप का, मैंने बुलेट टाइप का एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप सामने देख पा रहे हैं। और दोस्तों, उसके बाद अभी हाल ही में मैंने एक फोल्डेबल बाइसाइकिल बनाया है जो होममेड है, जो किसी भी आज तक यूट्यूबर ने फोल्डेबल बाइसाइकिल का वीडियो नहीं बनाया, ना ही कोई इंडिया में कंपनी फोल्डेबल बाइसाइकिल बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप फोल्डेबल बाइसाइकिल बनाना चाहते हैं या ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो के लास्ट में आपको साइड में थंबनेल मिल जाएंगे इन वीडियो को देखने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी जाके देख सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको लिथियम आयन बैटरी। दोस्तों, मैंने बैटरी का काम स्टार्ट कर लिया है लगभग, और अभी मैंने ये बैटरी पैक तैयार की है। अभी मैं इसको खुद ट्रायल करूँगा कुछ दिन के लिए, हो सकता है कि इसके लिए मेरे को एक महीना भी लग जाए। तो मैंने आज बैटरी पैक रेडी किए हैं, तो अभी मैं सिर्फ लिथियम आयन पे काम करूँगा, लिथियम फॉस्फेट पे मैं काम करने नहीं वाला हूँ। ये दोस्तों, ये देख पा रहे हैं, ये है लिथियम आयन बैटरी। ये 36 वोल्ट 12.5 एम्पियर की बैटरी है, ये मैंने आज रेडी की है। ठीक है दोस्तों, और एक हमारा बैटरी पैक है 36 वोल्ट 15 AH, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक जो बैटरी है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे है, और एक बैटरी मैंने खुद के लिए रेडी किया है क्योंकि मेरे को पहले टेस्ट करना है कि कैसा परफॉर्मेंस है और कैसी इसकी पोजीशन है, कोई फॉल्ट या कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रही। क्योंकि पहले मैं लिथियम फॉस्फेट का काम पहले मैंने चालू किया था, उसके बाद मैंने बंद किया क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से मैंने लिथियम फॉस्फेट का काम बंद कर दिया था। तो इस वजह से मैं लिथियम फॉस्फेट पर काम नहीं करूंगा, अब करूंगा मैं सिर्फ लिथियम आयन पर। और बेस्ट प्रोडक्ट मेरा थिंक जो है, बेस्ट सेल यूज़ करूंगा और बेस्ट प्रोडक्ट की कस्टमर को दूंगा। तो इसलिए मैंने एक बैटरी बैग खुद के लिए भी बनाया, एक कस्टमर की डिमांड पे मैंने बनाया था एक बैटरी बैग। तो एक बैटरी बैग जाने वाला है कस्टमर की डिमांड पर, कस्टमर के पास। ठीक है दोस्तों, बैटरी बैग मैंने दूसरा जो है ये मैंने खुद के लिए बनाया है, ताकि मैं खुद यूज़ करके इसको टेस्ट कर पाऊँ कि ये इसमें कोई कंप्लेंट तो नहीं है या कोई ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा जो कस्टमर को आगे चल के परेशान करे। तो उसकी वजह से हो सकता है कि इसको बैटरी के काम को मेरे को रनिंग करने में एक महीना करीबन लग जाए। बाकी मेरा लगभग बैटरी का काम स्टार्ट हो गया है, अभी मैं किसी से भी ऑर्डर नहीं लूँगा बैटरी का, और समथिंग एक महीना मेरे को हो सकता है कि लग जाए काम स्टार्ट करने में। ठीक दोस्तों, ये है 36 वोल्ट 12 एम्पियर का बैटरी, देख पा रहे हैं ये लिथियम आयन बैटरी पैक है। ये 36 वोल्ट 12 एम्पियर का है, ये मैंने आज रेडी किए हैं दोनों बैटरी पैक। ठीक दोस्तों, ये 36 वोल्ट 12.5 एम्पियर का है। ठीक दोस्तों, पूरी अच्छे तरीके से मैंने इसको पीवीसी से भी मैंने कवर किया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक दोस्तों, ताकि दिखने में भी थोड़ा लुक अच्छा लगे। ठीक दोस्तों, बाकी इसमें मैंने बैटरी होल्डर भी यूज़ किए हैं, और स्पॉट वेल्डिंग से पूरा स्पॉट वेल्डिंग मशीन से पूरा कंप्लीट किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके हैं, ये है चार्जिंग सॉकेट, आप देख पा रहे हैं चार्जिंग सॉकेट है ये, और ये डिस्चार्ज के लिए जो मतलब बाइसाइकिल में लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ, क्योंकि मैंने BMS सिर्फ 36 वोल्ट के मंगवाए हैं, तो अभी मैंने सिर्फ बैटरी जो है 36 वोल्ट का ही रेडी किया है, और आने वाले टाइम में 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में भी रेडी करूँगा, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे पास, जब तक BMS वगैरह आ जाए, स्टॉक आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 36 वोल्ट 12.5 एम्पियर का बैटरी पैक है, एक ये मैंने रेडी किया है, और एक है ये 36 वोल्ट 15 एम्पियर का बैटरी, आप देख पा रहे हैं। इसकी हाइट अलग है और इसकी साइज़ थोड़ी कम है इसमें, अरे दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने दोनों बैटरी पैक रेडी किए हैं। इसकी प्राइस लिस्ट जब मेरा काम तरीके से स्टार्ट हो जाएगा तभी मैं प्राइस लिस्ट बता पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए, मैं खुद के लिए मैंने रेडी किए हैं,
ताकि मैं टेस्ट करके कोई कंप्लेन है अगर अगर कोई सेल में कंप्लेन होती है या किसी किसी दूसरे आइटम में या BMS में कोई प्रॉब्लम आती है तो कम से कम क्या है कि उस चीज़ को हम पहले डिफाइन कर पाएँ कि किस चीज़ में कंप्लेन है। उसकी वजह से मैंने अभी रेडी किया है, तो मैं सिर्फ वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि मेरा बैटरी का काम फिर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ टाइम में मेरे पास चालू हो जाएगा इसका बैटरी का काम फिर से। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलेगा मेरे पास लिथियम आयन में ही, लिथियम फॉस्फेट में मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि लिथियम फॉस्फेट में मैंने काम किया था, कंप्लेन आने की वजह से मैंने बैटरी का काम बंद कर दिया था। तो ये लिथियम आयन में अब काम करूँगा क्योंकि लिथियम आयन में, लिथियम आयन के चार्जर जो भी मेरे पास बैटरी पैक मिलेगा आगे, तो वो लिथियम आयन चार्जर के साथ ही मिलेगा, विदाउट चार्जर मेरे पास कोई भी बैटरी पैक नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, विदाउट बैटरी पैक, विदाउट चार्जर के मैं बैटरी पैक नहीं सेल करूँगा, जो भी होगा चाहे 24 वोल्ट का हो बैटरी पैक, चाहे 36 वोल्ट का हो, चाहे 48 वोल्ट का हो, लिथियम चार्जर मेरे पास अवेलेबल होगा तभी मैं ऑर्डर लूँगा पार्टी से। ठीक है दोस्तों, विदाउट चार्जर मैं कोई भी बैटरी पैक रेडी क्यों नहीं करूँगा, रीज़न ये है क्योंकि इसमें हर बैटरी पैक में अलग अलग एप्लीकेशन के BMS होते हैं, उसी से मैच करता हुआ चार्जर भी हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से मैं काम करूँगा ताकि अगर हम किसी कस्टमर को बेचते हैं बैटरी पैक तो आगे उसको प्रॉब्लम ना हो। इसका मैं इस बार खास ध्यान रखने वाला हूँ क्योंकि मैंने फॉस्फेट का काम चालू किया था जब, तो कुछ कस्टमर्स को कंप्लेंट्स आ रही थी, उसकी वजह से मैंने बैटरी का काम बंद कर दिया था। मगर अब जो मेरा काम रहेगा पूरा परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट चार्जर जो उसके BMS के साथ मैच करेगा, जो भी बैटरी पैक रेडी करूँगा और इसका सब बैटरी पैक जितने भी होंगे, चाहे 24 वोल्ट हो, ठीक है, और 48 वोल्ट हो, 36 वोल्ट हो, जब मैचिंग का जब तक चार्जर मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा तब तक किसी भी पार्टी से मैं ऑर्डर नहीं लूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी बैटरी का काम स्टार्ट करने में मेरे पास टाइम है थोड़ा, जैसे ही मैं इससे सेटिस्फाई हो जाऊँगा इसको टेस्ट करने के बाद, उसके बाद ही मैं कस्टमर से ऑर्डर लूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही वीडियो, बाकी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।